एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अच्छा, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम समझा जाता है। तो एरिया का मतलब पता है सबको? क्या होता है एरिया का मतलब? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्या होता है एरिया बताओ? वो तो वॉल्यूम होती है। स्पेस ऑक्यूपाई करने को वॉल्यूम बोलते हैं। किसी भी, ठीक है, तो एरिया 2D होता है कि 3D होता है? 2D होता है। ठीक है, एरिया, अब तुमको पता है एरिया क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि कोई चीज़ उसकी सरफेस जो है, उसकी कोई प्लेन, कोई सरफेस कितनी जगह घेरती है उसको एरिया बोला जाता है। ठीक है, पूरी चीज़ को अगर बोलोगे, पूरी चीज़ की जगह निकालोगे तो वो वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो एरिया क्या है वो तुमको समझ में आ गया। पैरेललोग्राम तुम एक चैप्टर में पढ़ चुके हो, बोलो आया ना। पैरेललोग्राम क्या है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए? नहीं, इक्वल तो वो अपने आप हो जाती है, कंडीशन होनी चाहिए कि वो कैसी होंगी। ठीक है, इक्वल तो वो पैरेलल की वजह से हो जाती है, वो तुम छोड़ो। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। और ट्रायंगल तुमको पता ही है सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है, सबसे छोटा पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड हो? तीन साइड का क्लोज्ड फिगर, तीन साइड का क्लोज्ड फिगर, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल, वो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, तो चैप्टर का नाम समझ में आ चुका है। ठीक है, अब चैप्टर में क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो चैप्टर में अपन को तीन थ्योरम पढ़नी रहेंगी। तीन थ्योरम कौन सी हैं? एक तो है कि दो पैरेललोग्राम का एरिया अपन कंपेयर करेंगे, एक एक में अपन एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का करेंगे, और तीसरी वाली उसमें थ्योरम में क्या है देखते हैं ज़रा। तीन थ्योरम है, तीन थ्योरम पढ़ लोगे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थ्योरम 9.1 आज पढ़ा देता हूँ। 9.3 में क्या है? थ्योरम 9.3 जो है वो कन्वर्स है। हाँ ठीक है, चलो थ्योरम 9.3 भी पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगता नहीं है इस थ्योरी में कुछ है। अपन सीधे ये करते हैं, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक, अब बेस क्या होता है किसी भी चीज का? क्या होता है बेस? क्या हो गया बेटा हसमुख, क्या हो गया? बेस क्या होता है? क्या होता है? जिस पे कोई भी चीज खड़ी है। अगर देसी भाषा में बोले तो सबसे नीचे वाली जो साइड है उसको क्या मान सकते हैं? बेस मान सकते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसा बनाता हूँ। जैसे एक ये ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। तो इस समय बेस क्या है? अब अगर इस ट्रायंगल को मैं घुमा दूंगा, मान लो ऐसा कर दिया मैंने, तो अब क्या बेस बदल चुका है? ये बी है, ये ए है और ये, क्या इस समय बेस बी सी है? और अगर मैं इसको एक और बार घुमा दूंगा तो बेस बदल जाएगा। बोलो आया ना। सेम चीज अपन किस पे बात कर सकते हैं? सेम चीज की बात कर सकते हैं अपन पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका भी बेस अलग अलग हो सकता है कि नहीं? ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब तुम बताओ, जिस तरीके से ट्रायंगल को मैं घुमा रहा था, क्या उस तरीके से मैं पैरेललोग्राम को भी घुमा सकता हूँ? तो क्या उसका भी बेस चेंज होता रहेगा? करेगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपन को क्या देखना है कि एक तो अपन को बेस देखना आना चाहिए कि किसी भी चीज़ का बेस कैसा है, कहाँ पे है। समझ में आ रही है? वो तो बहुत सिंपल है, तुमको दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत लग रही है? अब उसके बाद आगे की बात क्या कर रहा है वो? बेस एंड अपन को क्या देखना आना चाहिए? पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस तुमको पता है कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? अरे पैरेलल लाइंस पता है कि नहीं पता? चैप्टर 6 पढ़ लिया। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कभी भी मिल नहीं पाएंगी। तो ये दोनों लाइन कैसी हैं? अब बेटा पैरेलल लाइंस की एक खासियत तो तुमने बता दी कि वो कभी भी मिल नहीं पाएंगी, उनकी एक और खासियत होती है। वो खासियत क्या है तुम बता पाओगे कोई? मतलब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन तो यही है कि दो ऐसी लाइंस जो कभी भी मिलेंगी नहीं, तो वो तो पैरेलल लाइंस हो गई, वो तुमको दिख रहा है। अब इसके अलावा पैरेलल लाइंस में एक और खास बात होती है, क्या वो तुम बता सकते हो? हाँ, उन दोनों लाइन में क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो
सेम रहेगा। बस अगर तुम ये पॉइंट समझ गए ना, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो दूरी है वो हमेशा कैसी रहेगी। तुम देखो यहाँ से अगर यहाँ की अपन दूरी को डी नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी दूरी। ऐसा सिर्फ किस में मिल रहा है, पैरेलल लाइंस में। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइंस मान लो ऐसी है, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो तुम देख रहे हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है कि अलग अलग है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे और कम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है। तो बस अब ये चैप्टर तुम देखो, अगर तुमको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, चैप्टर खत्म है। अब मैं तुमको बताता हूँ इस चैप्टर में क्या करना। क्या सर्कल का नहीं, सर्कल का बेस कैसे होगा बेटा। चलो इसको मैं मिटा दूं। तो तुम देखो हेडिंग तुमको समझ में आ रही है, हेडिंग में क्या क्या पढ़ना अपन को। पहली हेडिंग जो है, क्या है वो पहली हेडिंग, कि बेस देखना आना चाहिए और पैरेलल देखना आना चाहिए, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे को, अच्छा अब इसमें क्या बोला, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो अब कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये देखो अगर अपन ने ये इस तरीके से क्या बना दिया बेटा, दो पैरेलल लाइंस बना दी। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक की एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया मैंने ए और बी। अब मेरे को बताओ क्या इस लाइन से मैं ट्राइंगल बना सकता हूं। कितने ट्राइंगल बना सकता हूं इस बेस को लेके, आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो सोच के बताओ। अगर आप यहां पे पॉइंट ले लोगे तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, यहां पे ले लोगे तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा, यहां पे ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर एक की जगह ऊपर दो पॉइंट ले लिए जाए तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बना सकते हैं अपन। अगर अपन यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे तो पैरेललोग्राम ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे तो पैरेललोग्राम ऐसा बन जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं ना, बना लेते हैं। एक मैं बना रहा हूँ देखो रेड कलर से ट्राइंगल बना देता हूँ, और दूसरा ट्राइंगल मैं बना देता हूँ मान लो ग्रीन कलर से। दिख रहा है सबको, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं। तो इस चैप्टर में तुमको ये देखना आना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी हमने बनाया है और जो ट्राइंगल ए बी डी हमने बनाया है, उनमें कुछ खासियत है। वो ऐसे वैसे ट्राइंगल नहीं है, उनमें क्या खासियत है कि दोनों का बेस कैसा है, सेम है, सेम बेस है जो कि कौन सा है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनकी क्या हो जाएगी, हाइट कैसी हो जाएगी, सेम। ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, तो अगर आपने ये ट्राइंगल बनाया है तो किसी की भी हाइट क्या होती है कि वो जमीन से कितना ऊंचा है, ठीक है, कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की अगर हाइट अपन को निकालनी हो तो अपन यहां से यहां तक का नाप लेंगे। बोलो समझ में आ रही कि नहीं। तो इस तरीके से ट्राइंगल की हाइट निकल जाएगी। अब क्या होता है कई बार, एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, ट्राइंगल बेटा कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के। किसके बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। एक एक्यूट ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल और एक, हाँ हाँ पर मैं एंगल वाला बता रहा हूँ, राइट ट्राइंगल। अब बेटा ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। सारे एंगल तुमको 90 से कम के दिख रहे हैं, कोई भी एंगल 90 से ज्यादा का दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इस ट्राइंगल की अगर तुम हाइट नापोगे तो क्या हाइट तुमको यहां से यहां तक ऐसे मिलेगी क्या, बोलो आया ना। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर से ही आ रही है, जो हाइट है, क्या ये जो लाइन है वो ट्राइंगल के अंदर है, बोलो आया ना। अच्छा अब एक चीज देखना बढ़िया मस्त वाली, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा तो तुम बताओ ट्राइंगल की हाइट कहां पे आएगी, कहां पे आएगी। ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो ट्राइंगल की साइड भी है और ट्राइंगल की, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस बार क्या अपन ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज ऑन द ट्राइंगल, अंदर की तरफ नहीं है, ट्राइंगल पर ही है। बोलो समझ में आ रहा है। अब तुम देखो एक बहुत मस्त चीज, क्या मस्त चीज, कि अगर आपने गलती से कौन सा बना दिया, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल, कौन सा बना दिया, ये वाला एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है सबको। अब इसकी हाइट नापेंगे तो वो कैसी आएगी, इसकी हाइट नापेंगे तो कैसी आएगी, समझ में आ रहा है क्यों आएगी आउटसाइड द ट्राइंगल। क्योंकि हमको, हमने क्या देखा कि हाइट किसी भी चीज की कैसी होती है, कि वो जमीन से कितना ऊंचा है। अब तुम सोच के देखो कि अब मान लो मैं हूं, मैं अगर मान लो 5 फुट 8 इंच का हूं, अपन एग्जांपल के लिए मेरी हाइट को 5 फुट मान लेते,
अब अगर मैं सीधा खड़ा होऊंगा तभी तो मेरी हाइट 5 फुट है। अगर मान लो मैं टेढ़ा टेढ़ा खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरी हाइट 5 फुट ही रहेगी या कम हो जाएगी? क्योंकि मैं टेढ़ा अगर खड़ा हूं तो फिर मेरा जो सिर है वो नीचे हो चुका है। तो उसके अब यहाँ पे देखो ना, ये जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के बाहर है और हमको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो माननी है, हमको ये चेक करना है कि ट्राइंगल कितना बड़ा है। तो इसकी हाइट कहाँ चले जाएगी? आउटसाइड द, आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये आउटसाइड द ट्राइंगल ऐसे चले जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बस इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो ये वाला ट्राइंगल तुमको दिख रहा है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से लेके इसकी हाइट कितनी है? जी, दोनों ट्राइंगलों की हाइट कैसी है? सेम। अच्छा अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसका बेस कितना है और इसकी हाइट कितनी है? अगर मैं इस हाइट को मान लो एच नाम दे देता हूं तो इसकी हाइट कितनी है और इसका बेस कितना है? इसकी हाइट कितनी है, इसका बेस कितना है? तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया हो गए ना। तो बस आज के बाद क्या याद रखना है, अगर दो ट्राइंगल हैं और वो दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं और वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा? ठीक है, क्या क्या बोला मैंने कंडीशन? दो ट्राइंगल हैं, दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, दोनों के जो पैरेलल लाइंस हैं वो सेम है तो उन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। बस अब हमको क्या करना है, सवालों में इस चीज को देखना आना चाहिए। समझ में आई? अब ये तो एक थ्योरम हो गई तुम्हारी, दूसरी थ्योरम और बता देता हूँ। तुम देखो तुम्हारा चैप्टर खत्म होने वाला है यहीं पे। अच्छा बेटा पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? बेस इंटू। अब तुम देखो अगर बेस इंटू हाइट की बात आ रही है तो तुमको समझ में आ गया होगा कि अब अपन पैरेललोग्राम में भी सेम चीज लगा सकते हैं। बोलो आया ना? अगर मैंने ये किए ए और ये बी, ये ए ये बी, यहाँ से एक पैरेललोग्राम, अरे यार यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना दिया मान लो कुछ इस तरीके से, ये वाला और ये वाला इस तरीके से, इसको नाम दे दिया सी और डी, क्या एक पैरेललोग्राम है? और इसी तरीके से अगर अपन ने ऐसा बना दिया होता, थोड़ा उसको एक्सटेंड कर देंगे, बोलो ऐसा ऐसा बना सकते हैं? और इसको अपन नाम दे देंगे ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ई और एफ। अब मेरे को बताओ कि हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ ई, इसको ई नाम दे दो, इसको एफ दे दो, ए बी ई एफ। अच्छा अब बताओ क्या ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है? क्या दोनों का बेस? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ए, वो इसका एरिया कितना होगा? बेस इंटू और इसका भी, और दोनों ही बेस सेम है, दोनों ही हाइट सेम है तो दोनों ही एरिया भी। समझ में आ रहा है? थ्योरम 9.1 पढ़ के देखना फटाफट से, क्या लिखा है आराम आराम से जोर से बोलो जिससे ये भी सुन लेंगे। एक लोग पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन, क्या जो मैंने पढ़ाया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है? yes, कुछ और तो नहीं है? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन। समझ में आ रहा है? yes, sir. और इसका प्रूफ कुछ दिया है क्या? देखना। yes, क्या प्रूफ दिया है इन्होंने? लो देख लो प्रूफ, एग्जाम्पल वन अभी मैं करवाता हूँ, प्रूफ देख लो। बस अब तुम्हारी 9.1 तो तुम खुद ही कर लोगे, सवाल में एक आदमी आएगा तो बता ही दूंगा। क्या बोल रहा है प्रूफ में? बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, जैसे इसने एक पैरेललोग्राम बना दिया ये वाला, ठीक, और इसी में इसने एक और पैरेललोग्राम बना दिया मान लो बेटा इस तरीके से, है ना, ऐसा ही तो बनाया, ठीक। नाम बता देना जरा, नाम क्या क्या दे रखे हैं इसने। अब देखो हमको क्या करना है, टीपी में क्या हमारे पास, टीपी मतलब टू प्रूफ, एरिया ऑफ ए बी सी डी को हमको किसके बराबर करना है? एरिया ऑफ ई एफ सी डी। अच्छा अब तुम देखो एक चीज तो तुमको समझ में आ रही होगी, क्या
कि ये जो बीच वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है। तो अब अगर अपन ने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सब कुछ सेम है। तो देख लेते हैं, अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, कौन सा, ए डी सी बी। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर आएगा, कोई दिक्कत है किसी को? सेम लॉजिक से बेटा, ये वाला एंगल किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, बोलो आया ना। और ये पैरेललोग्राम अगर है तो ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर आएगी, तो एंगल एंगल साइड की थ्योरम पढ़ी थी अपन ने 7 चैप्टर में। तो हम क्या बोलेंगे कि बाय AAS, अच्छा एंगल एंगल साइड लगाते हैं तो कोई से भी दो एंगल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाय एंगल एंगल साइड, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके कैसा हो चुका है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये वाला एरिया कॉमन है, तो दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। सिंपल सा प्रूफ है, एक बार पढ़ के देख लो, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। चलो अब ये प्रूफ हो गया है, फटाफट से एग्जांपल नंबर 9.1। अरे एक सेकंड रुको, उससे पहले एक्सरसाइज 9.1 कर लो फटाफट से। एक्सरसाइज 9.1 तो छोटी सी है, चुनमुनिया सी अभी हो जाएगी। हाँ 9.1 देख लो, बताना इसमें कि कौन से फिगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस पे है कि नहीं है, बस यही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस इन सच अ केस, राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहला फिगर कुछ ऐसा दिया है, बीच में क्या बना, ट्राइंगल बनाया ना, नाम बनाना ए, अच्छा ये, हाँ अब बताओ ये जो फिगर तुमको दिख रहा है, क्या ये दो फिगर है, इसमें एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो क्या ये फिगर सेम बेस पे है? तो हम बोलेंगे कि सेम बेस पे है, और सेम बेस कौन सा है, डीसी। क्या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, और उनके नाम क्या है, ए बी एंड हाँ डीसी सीडी कुछ भी बोल लो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकंड फिगर देख लो, सेकंड फिगर में क्या कर रहा है वो, कि इसको बीच में से काट के इसने बोल दिया कि इसको कैसा बना लो, कुछ ऐसा बना लो, है ना, और इनके भी नाम दे दिए होंगे, इनके क्या नाम है, अब बताओ क्या ये सेम बेस पे, क्या, हाँ नाम से कोई फर्क नहीं है, तुम तो इस फिगर की बात कर लो, क्या ये बेस सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों फिगर का, पर क्या सेम पैरेलल लाइंस है, नहीं है, बस खेल खत्म। तीसरा पार्ट देख लो, अब तीसरा पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा अच्छा फिगर है, हाँ इसका बताओ, तीसरे पार्ट का बताओ, तीसरा पार्ट अच्छा है, ये किस तरीके से बनाया हुआ है, हाँ ए बी सी डी और ई। चलो इस बार अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सेम बेस पे है, कौन सा बेस होना चाहिए, सेम बेस पे है। अब वही वाली बात है कि ऐसा जरूरी नहीं होता ना कि जो हमको दिया है वही हम बेस माने जाए, अगर इसको हम घुमा के देखेंगे तो बेस दिख जाएगा हमको, तो हम क्या बोलेंगे, सेम बेस आएगा, बी सी सेम पैरेलल लाइंस, बिल्कुल है, कौन कौन सी है, बी सी एंड, बस बस इससे टफ तो क्या ही होगा, सिंपल है। चौथा देख लेते हैं, चौथा तुमको दिख रहा है बेस सेम नहीं है और पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही आ रहे हैं वो, ठीक है। अगर अपन पांचवे की बात करेंगे तो बेस सेम है और पैरेलल लाइंस भी, बेटा देखो ए डी और बी सी बी क्यू के बीच में ही आ रहा है, अगर अपन इन दोनों पैरेलल लाइंस को लेंगे तो हो रहा है, क्या हो गया बेटा, अरे बोल ले कोई दिक्कत नहीं है, है? नहीं नहीं पैरेलल लाइंस कैसी होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइंस मान लेना, देख अगर मैं इन दोनों पे ऐसे रख रहा हूँ तो बता ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, तो बस हमने इन दोनों को पैरेलल माना है, आपको तो पैरेलल लाइन देखना है ना। और अगला वाला जो है वो सेम बेस पे नहीं है और सेम पैरेलल लाइंस पे, सेम पैरेलल लाइंस पे है नहीं है, क्या है, सेम पैरेलल लाइंस पे ही तो है वो,
दोनों की देखो पहले लाइन सेम आ रही है कि नहीं, तुम उन लाइन्स को ऐसे ड्रॉ कर लो ना, अगला वाला फिगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही तो है। अब मेरे को बताना ये जो ऊपर वाली दो लाइन्स है, ये जो ऊपर वाली दो लाइन्स है, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो ये क्या ये पैरेलल लाइन्स के बीच में नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, हो गया बस। चलो 9.1 में देख लो, फिर से कुछ पूछना हो तो, कोई सवाल में समस्या लग रही हो तो क्या चेक करना आना चाहिए, सेम बेस हैगा कि नहीं हैगा और सेम पैरेलल लाइन्स हैगी कि नहीं हैगी, क्योंकि तुमने अभी थ्योरम देखी थी, थ्योरम किस पर डिपेंड कर रही है, सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन्स पे, बस। तो ये हो गया 9.1, बड़ी सिंपल सी है, अब इसको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल 1 ट्राई करो सब लोग। एग्जाम्पल 1 में क्या बताना है, मैं ज़रा बोर्ड पे बना देता हूँ जिससे ये लोग भी कर लेंगे। एक फिगर दिया है ABCD और इसमें बोल रहा है EFCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा अब तुम देखो इस चैप्टर में तुमको 8th चैप्टर का बड़ा काम आएगा, क्योंकि अब इसमें से रेक्टेंगल वेक्टेंगल की बात कर रहा है तो तुमको पता होना चाहिए ना रेक्टेंगल किसको कहते हैं। एक रेक्टेंगल बना दिया है, तो TP में क्या हमारे पास एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर करना है, EF, और सेकंड वाले में ए। हाँ तो बताओ पहला पार्ट समझ में आ रहा है, पहला पार्ट समझ में आ रहा है, देख लो जरा ABCD कौन सा है और EFCD कौन सा है, दिख रहा होगा, तो क्या इनके एरिया बराबर बता सकते हो? किससे हो रहा है ये, बाय थ्योरम 9.1 लगा के देखो, थ्योरम 9.1 लग रही है क्या, इसमें लग रही है, कैसे लग रही है, सेम बेस कौन सा दिख रहा है, DC, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी दिख रही हैं। अब सबसे पहले तो सेम बेस दिख रहा है, देखो सेम बेस देखने के लिए तो हमको कोई चीज गिवन की जरूरत नहीं है, पर सेम पैरेलल लाइंस अगर आप बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं। जैसे अगर कोई भी दो लाइन आपको गिवन कर दी गई है तो आपको कैसे पता कि वो पैरेलल है, तो सवाल में कहीं ना कहीं उसको देना चाहिए, तो उसने दिया है क्या दिया है कि ABCD क्या है, एक पैरेलल होगा, इसका मतलब जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आप मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं मान सकते कि अपने आप ही पैरेलल, अगर दिख रही है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल है, जब तक सवाल में गिवन नहीं है तब तक हम नहीं मान सकते। समझ में आई ये चीज, आगे तक तुम्हारे काम आएगी, इसको याद रखना। तो बाय थ्योरम 9.1 ये वाला पार्ट हो गया क्या, ठीक है, हम क्या लिख देंगे, सेम बेस है, सेम बेस है DC और सेम कौन सी है पैरेलल लाइंस, EB एंड, तो बाय थ्योरम 9.1 ये वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात कर लो, सेकंड पार्ट कैसे करोगे, बेस DC है और हाइट अगर गिवन है तो बेस इनटू हाइट से क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया, सेकंड पार्ट कर लो, सेकंड पार्ट मतलब Example 2, एक ट्राइंगल दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको इसको पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना Example 2 को, ये अपने आप में एक थ्योरम है और ये क्या कह रही है पहले वो समझ लो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि प्रूफ कैसे करना है। अच्छा ये बात बताओ, एरिया ऑफ, अभी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम कितना है, बेस इंटू, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। अब अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों का बेस सेम हो जाए और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, दोनों सेम पैरेलल लाइंस, बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो बी दोनों का कैसा हो जाएगा सेम और एच दोनों का कैसा हो जाएगा, तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, क्या ये पॉइंट समझ में आता तुमको? तुम बताओ कि देखो इसके पास क्या है, बेस इंटू
और इसके पास हाफ इंटू बेस इंटू किसका अंतर है, हाफ का अंतर है। तो तुम देखो मैंने पैरेललोग्राम को हाफ दे दिया और मैंने बोल दिया बेस और हाइट कैसी है, सेम है। क्यों है? क्योंकि सेम बेस है और सेम पैरेलल है। तो इन दैट केस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ। इस सवाल को पढ़ के देखो क्या इस सवाल में यही प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़ के देखो यही प्रूफ करना है। अब वो कैसे हो रहा है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो अब देखो सवाल में गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ए बी पी क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल। अब इसने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, तो इसने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, बी क्यू जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर दी है ए पी के, ये क्या है हमारे पास। अब इस कंस्ट्रक्शन का क्या फायदा हो रहा है तुमको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन करने से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि ए बी क्यू पी इज अ, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल तो है ही है और ये हमने इसके पैरेलल बनाई है, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अभी अभी हमने क्या पढ़ी है, थ्योरम 9.1, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे कि ए बी पी क्यू का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ए बी क्यू पी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है, क्योंकि सेम बेस है कौन सा है, ए बी, और सेम पैरेलल लाइन है कौन सी, सी पी, तो एरिया इन दोनों का कैसा हो गया, सेम हो गया, समझ में आ गया। अच्छा तो यहाँ से हमने क्या बोला कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया बराबर है। अब तुम देखो तुमने 8th चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर के हिस्से में बांटता है, क्या ये थ्योरम पढ़ी है तुमने, नहीं पढ़ी है तो एक काम करो, थ्योरम का स्टेटमेंट यही कहता है कि पैरेललोग्राम का जो थ्योरम कौन सी है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पहली थ्योरम है मेरे ख्याल से वो 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पी बी क्या है, हमारे पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन बेटा बात करें पी ए बी की, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगी है, 8.1। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। और ए बी क्यू पी खुद किसके बराबर था, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इस वाली इक्वेशन से हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा जो सवाल है वो क्या हो चुका है, हैंस हो गया खत्म। पूछना हो तो पूछो, यही प्रूफ करना है ना, देख लो ईमानदारी से बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस देखना आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो पढ़ाई बहुत आसान है, कुछ है थोड़ी ना टफ उसमें, अरे लिख के क्या करोगे, दिमाग में लिखा करो, लिखने से कुछ नहीं होता, ये तो एग्जाम्पल सॉल्व हो रखा है बुक में, लिख के क्या करोगे तुम, बस ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में। चलो अगर समझ में आ रहा है तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके देखो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ए बी सी डी द पैरेललोग्राम ए ई परपेंडिकुलर टू डी सी, अच्छा फिगर दे तो रखा है, ठीक है एक सेकंड रुकना, हाँ बड़ा सिंपल सवाल है यार, लो करो करो करो, लल्लू पल्लू सवाल है, फटाफट हो जाना चाहिए। किस किस को आ गया, किस किस को नहीं आया, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू, और अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर आप घुमा दोगे तो बेस चेंज हो जाएगा तो हाइट भी चेंज हो जाएगी, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अगर बेटा एक बात बताओ, मैं अगर ए बी को बेस लेता हूँ तो हाइट क्या आनी चाहिए, अगर मैंने ए बी को बेस लिया हुआ है तो हाइट क्या आनी चाहिए। अच्छा परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर क्या दिखाती है, सीधे सीधे हाइट बताती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए ई परपेंडिकुलर है डी सी पे, इसका मतलब ए ई क्या हो गया, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, कहाँ से, अगर अपन ए बी को बेस माने। तो हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है इस सवाल के हिसाब से,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर अपन उसकी बात करें तो यहाँ से तुम बताओ, अगर ए बी को बेस ले लेंगे तो ए बी इनटू कितना आना चाहिए, ए ई। और सिमिलरली अगर आपने बी सी को बेस ले लिया है तो हाइट क्या होनी चाहिए, क्या निकालनी है, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, आप BC को भी बेस ले सकते हो तब भी वही हाइट रहेगी, और AD को भी बेस ले सकते हो तब भी वही हाइट रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर आप AD को बेस ले रहे हो या BC को ले रहे हो, देखो अगर इसको ले रहे हो तो ये हाइट है, इसको ले रहे हो तो ये हाइट है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर आपने AD को बेस ले लिया तो हाइट कितनी हो गई, CF। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, बेस AD इनटू हाइट, FC या CF एक ही बात है। अब जिन जिन की वैल्यू पता है वो पुट कर दो, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 16, ए कितना है 8, बराबर सी एफ कितना है 10, और इसकी वैल्यू x मान लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये कितना है, 16 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 8 होता है 64, 64 इंटू 2 128, बराबर x इंटू 10, और ये इंटू का है तो नीचे आके डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ गया 12 पॉइंट, क्योंकि नीचे 10 होता है तो एक पॉइंट लगा देते हैं, सिंपल है, समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में आ गया ईमानदारी से, क्या सीखा इसमें कि अगर पैरेललोग्राम है बेस अलग अलग होगा तो हाइट अलग अलग से पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जा सकता है। बस अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हो तो ऐसे सवाल और कर लेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लो। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है क्या उसमें एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत पड़ी है, थ्योरम समझ में आई है, उनको लगाना कैसा है वो समझ में आई है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक सिंगल चीज नहीं रटनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सेकंड को, मेरे मोबाइल में मत चला देना पेन। ट्राई करो, क्या प्रूफ करना है इसमें देख लो, टी पी में हमारे पास है कि एरिया ऑफ ये क्या है, ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है अगर ढंग से सोचोगे कि जो हमको गिवन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तुमसे हो जाएगा, हुआ किसी पे, हो गया ना, क्या किया, एफ से एच को ज्वाइन, एफ से एच को ज्वाइन करने से क्या बोला कि एफ एच इज पैरेलल टू सी डी, फिर उसके बाद सेम बेस और सेम, चलो किस किस को नहीं आया, नहीं आया तो बता दो, सलमान नहीं क्या बात है, हाँ तो देखो सवाल क्या कह रहा है सबसे पहले वो समझो, और फिर जो गिवन है, देखो एक बात समझ लो तुम आज के बाद, तुमको ये बिल्कुल चीज़ याद रहनी चाहिए, देखो जितने भी मैथ्स के सवाल होते हैं वो अपने आप में एक पजल होता है, क्या होता है, पजल होता है। अब क्या होता है कि देखो सवाल जो होता है उसमें वो हमको सबसे पहले कुछ गिवन देता है कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो अब आप हमको ये करके बताओ, तो अब जो भी सवाल का आंसर होगा वो कहाँ से मिलेगा, गिवन में से ही मिलेगा ना, तो इसको हमेशा याद रखना, ये मेरे बड़े काम आया था जब भी मैं मैथ सॉल्व करता था, तो मेरे को अगर सवाल बिल्कुल भी नहीं आता था ना तो मैं क्या कर लेता था, गिवन लिख लेता था और फिर सोचता था कि ये जो गिवन दिया गया है वो क्यों दिया गया। किसी भी सवाल में कोई भी गिवन तुमको कभी भी फालतू में नहीं देगा कि बस ऐसे ही दे दिया, उसका कुछ इस्तेमाल हमको करना आना चाहिए, समझ में आ रही कि नहीं। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि कोई भी सवाल तुमको नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, सबसे पहले तो घबराओ मत, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, उसके बाद क्या करना, गिवन लिख लो और फिर कोशिश करो कि क्या क्या हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले सवाल में टू प्रूफ क्या है वो तुमको दिख रहा है, और गिवन क्या है हमको कि ये सब क्या है, ई एफ जी एच क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, अपनी अपनी साइड्स के, क्या ये बात तुमको पता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एफ से एच को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब अगर एफ से एच को ज्वाइन कर दिया है तो सबसे पहले तुमको, तुमने जो किया है तुमको ये बताना पड़ेगा कि एफ एच पैरेलल टू सी डी कैसे हुआ। एफ एच तुमने मान लिया कि पैरेलल टू सी डी है, वो कैसे माना, मैं वही तो बोल रहा था कि मैथ्स में प्रूफ क्या है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो बिना प्रूफ करे, देखो मुझे भी पता है कि पैरेलल है, वो दिख भी रहा है वो पैरेलल है, पर प्रूफ भी तो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना अपन मान लेंगे कि वो पैरेलल है,
पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था तुमसे, क्या बोला था कि मैथ्स में आप कभी भी कुछ भी मन से नहीं मान सकते हो, वो दिख रहा है साफ साफ पैरेलल है, पर क्यों होगा वो पैरेलल, ये जानना बहुत जरूरी है। बताओ क्या बेटा? तो ये ट्रायंगल थोड़ी ना बनना, ट्रायंगल थोड़ी ना बनना है, आया ना? तो उसके लिए सबसे पहले तुमको थ्योरम लगानी पड़ेगी। तुम देखो कि ए बी एफ एच, ए बी एफ एच दिख रहा सबको, ए बी एफ एच में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए एच इज इक्वल टू बी एफ? बोलो आया ना? क्यों? क्योंकि डी ए और सी बी कैसे हैं? बराबर। तो उनके आधे आधे भी कैसे होंगे? बराबर। और हमको गिवन है कि ये कैसे हैं, इनके मिड पॉइंट्स हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो आया ना? फिर से बता देता हूँ, बोल रहा है कि सी बी और डी एस, सॉरी सी बी और डी ए तो बराबर होंगे ही, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल और हम कैसी होती है, बराबर। और ये क्या है? इसका मिड पॉइंट। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट। तो इसका आधा और इसका आधा कैसा होगा? बराबर होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसके पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास इसके बराबर रुपए हैं, अगर हम दोनों के आधे आधे कर दिए तो हमारे रुपए तब भी कैसे रहेंगे? बराबर। ये वही वाली बात हो रही है, सिंपल बात है। इसके बाद ए एच इज पैरेलल टू बी एफ, क्योंकि ए डी पैरेलल टू सी बी है, क्योंकि गिवन क्या है? पैरेललोग्राम। तो दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनके हिस्से भी आपस में कैसे रहते हैं? पैरेलल रहते हैं, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो चुका है? एक पैरेललोग्राम। ये थ्योरम पढ़ी थी अपन ने चैप्टर 8 में। क्या थ्योरम पढ़ी थी? अगर सामने की दो साइड्स इक्वल है और पैरेलल है तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरेललोग्राम। अब मैं ये बोल सकता हूं कि एच एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड एच एफ इज पैरेलल टू सी डी। समझ में आ रही है? डायरेक्ट लिख दोगे कि एफ एच इज पैरेलल टू सी डी, तो अगर चार नंबर का है तो दो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट कौन सा है कि तुमने कैसे मान लिया कि वो पैरेलल है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो आज के बाद ये वाला पॉइंट याद रखना कि मैथ्स में अपन अज्यूम नहीं कर सकते अपने मन। समझ में आ गई? अब जो तुम बोल रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ईमानदारी से बताओ, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? आ गया समझ में ईमानदारी से? आगे बढ़ूँ? अब तुम देखो कि अगर एच एफ पैरेलल टू इसके है और इसके है, तो अब यहाँ से अपन थ्योरम लगा सकते हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो फिगर्स होते हैं उनका एरिया कैसा होता है? बराबर। और अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया किसका हो जाएगा? पैरेललोग्राम का आधा। तो यहाँ से तुम बोलोगे, अगर अपन इस वाले की बात करें तो ट्रायंगल एच एफ जी एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी, इन दोनों में सेम बेस कौन सा है? एच। और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी है? बी सी एंड। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच एफ सी डी, क्योंकि ये थ्योरम अभी अपन ने पढ़ी थी, एग्जाम्पल 2 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, उसमें क्या बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां से हम सीख गए। समझ में आया? और सिमिलरली हम क्या बोल देंगे कि दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एरिया। समझ में आ गया? तो यहां से हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल एच एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ बी ए एच एफ। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दिए इक्वेशन। अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, क्या कर देंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या बनेगा? ट्राइंगल एच एफ ई प्लस ट्राइंगल एच एफ जी। इक्वेशन ऐड करना आता है नहीं आता? पहली बार देख रहे हो, आता है ना? लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से ऐड हो जाता है, राइट हैंड वाला राइट हैंड से। तो अगर मैंने इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है, तो इनको ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनना है? एच एफ ई और एच एफ जी। और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ बी ए प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी।
अब फिगर देखो जरा, एच एफ ई और एच एफ जी, इसको प्लस करने पे कौन सा फिगर बनना है तुमको दिख रहा होगा? एच एफ ई कौन सा है बेटा? एच एफ ई ये वाला है, एच एफ जी कौन सा? ये वाला है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अंदर वाला बन जाएगा, तो हमारा एल एच एस बन गया। और राइट में आप देखो, ऊपर वाले पैरेललोग्राम को नीचे वाले को ऐड कर देंगे तो हमारा हेंस। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं बोलूँगा कि खुद से ज़रूर ट्राई करो, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मेन बात ये वाली ध्यान रखना कि अपने मन से आप इसको पैरेलल नहीं मान सकते। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करो। कितना टाइम बचा है? क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करो। पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड्स डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसने देखो पहली लाइन इंपॉर्टेंट बोली है कि पी एंड क्यू आर एनी पॉइंट्स। अब एनी मतलब कि कोई भी होने चाहिए वो। तो अगर अपने पास एक पैरेललोग्राम है, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ए बी सी डी, पी और क्यू किस पे लाए कर रहे हैं? पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन डी सी एंड ए डी। अब देखो डी सी कहाँ है और ए डी कहाँ, ठीक है। अब बोला है पी और क्यू कहीं पे भी लाए कर रहे हैं, तो इस पे हमने पी मान लिया और इस पे हमने। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट समझो, देखो कहीं पे भी लाए कर रहे हैं तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मैं इसका मिड पॉइंट मान लो। बात समझ में आ रही है? उसने बोला है लाइंग कहीं पे भी, तो एक केस ऐसा भी बन जाएगा कि ये बीच में बीचों बीच में हो और ये भी किस में हो, बीचों बीच में। पर क्या हमको वाला केस मानना है? हमको तो जनरल मान के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा दो पॉइंट्स है और प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ए पी ए पी बी, इसका एरिया और बी क्यू सी, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर करना है। चलो सिंपल सवाल है, तुमको देखते से समझ में आ रहा होगा। लो टी पी में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। चलो बहुत सिंपल है, थ्योरम जो हमने पढ़ी थी वो लगाओगे हो जाएगा। फिगर कैसे बनाया मैंने वो भी समझ में आना चाहिए ना। इस सवाल में फिगर नहीं दिया है तो फिगर कैसे बनाया वो देख लो। आ रहा है समझ? ट्राइंगल का एरिया तुमको निकालने की कोशिश करनी है, थ्योरम लगेगी, सेम बेस देखने की कोशिश करो, सेम पैरेलल लाइन देखने की कोशिश करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हुआ हुआ किसी पे हुआ? और समय लेना है कि बता दूं गिवन क्या क्या है उससे कोशिश करो। लेट मी डाउन, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? हाँ तो क्या हो गया? यही तो तुमको दिमाग लगाना है। लल्लू पल्लू सवाल करोगे तो दिमाग का विकास कैसे होगा, समझ में आ रही है? दिमाग का विकास करने के लिए थोड़े टफ सवाल लगाने पड़ते, इसीलिए जो आर डी शर्मा लगाते हैं उनका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता। चलो मैं बता देता हूँ, इधर देखो। अगर मैं बेटा बात करूँ ट्राइंगल बी क्यू सी की, इधर देख रहे हो, तो ट्राइंगल बी क्यू सी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी, मेरे को बताओ, सेम बेस अगर मैं बी सी ले रहा हूँ और सेम पैरेलल लाइंस बी सी और ए डी ले रहा हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? क्या ऐसा लिखने में किसी को कोई समस्या है? सबको समझ में आ रहा है? क्या सेम बात आप ट्राइंगल ए पी बी के लिए लिख सकते हो? ट्राइंगल ए पी बी का अगर एरिया की बात करूं, तो तुम देखो कि सेम बेस क्या लेना पड़ेगा, ए बी, और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी लेनी पड़ेंगी, सी डी एंड ए बी। तो क्या हम वहां से भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा? बोलो है ना? तो सवाल हो तो गया, ये भी इसका आधा है और ये भी इसका, तो ये दोनों आपस में खत्म। समझ में आ रहा है? सिंपल था सवाल, तुमने किया नहीं वो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुन लो, कितने सवाल बचे इसमें? बेटा रुक जाओ जरा, इसमें कितने? हाँ, अब सब लोग घर पे जाएंगे और होमवर्क में सवालों को करके लाएंगे। और करके लाने का मतलब ये नहीं है कि नोट डाउन करके ले आए, नहीं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना
कि कैसे कैसे हो रहा होगा। जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ होने नहीं वाला, समझ में आई। तो होमवर्क क्या है तुमको पता होना चाहिए, और ये होमवर्क अपन करेंगे परसों, कल पढ़ाऊंगा साइंस, ठीक है, चलो बाय। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।